हिमाचल प्रदेश ड्राफ्ट मैन एसोसिएशन प्रदेश में नए खुल रहे कार्यालयों में ड्राफ्ट मैन के पद सृजित करने सहित अन्य मांगों को लेकर सुंदरनगर के विधायक राकेश चंबाल से मुलाकात की और उन्हें अपनी सभी मांगों से अवगत करवाया। इस पर विधायक राकेश चंबाल ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पूरे मामले को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। जानकारी देते हुए एसोसिएशन के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष रमेश यादव ने कहा कि डिमांड चार्टर तय करने के लिए प्रदेश स्तर की 5 सदस्यीय कमेटी का चयन किया गया, जो ड्राफ्ट मैन्स की मांगों की समीक्षा करेगी और कमेटी की रिपोर्ट आने पर लंबित मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से मिलकर मांगों को पूरा करवाया जाएगा, जिसको लेकर ड्राफ्ट मैन एसोसिएशन के सदस्यों ने आज सुंदरनगर के विधायक राकेश चंबाल से मुलाकात की, जिस पर उन्होंने मामले को सरकार को सीएम जयराम ठाकुर के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। मेरे साथी है रसून कैडर से, उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है, मेरा पूरा प्रयास है, जो उम्मीद उन्होंने मेरे से लगा रखी है, मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उसके लिए प्रयत्न करूँगा। और हमारी जो 2-3 मुख्य मांगे हैं, सबसे बड़ी जो मांग है वो हमारी जो JDM के ऊपर जो 12 साल की बार लगी हुई है उसको लेके है, और दूसरी जो मांग है वो ग्रेड पे को लेके है, जबकि वो पंजाब में हो गया है, हिमाचल में उस पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार की जो हमारी डिमांडें हैं और प्लानिंग से जो सहायक अभियंता के पद को लेकर के है, उन मांगों के लेके हमने एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, और ये जो कमेटी है ये बड़े जल्दी उस पर काम कर रही है और रिपोर्ट देगी। उसके आधार पे अन्य भी जो मांगे होंगी, एक मांग पत्र हम तैयार करेंगे विधिवत रूप से, और उस मांग पत्र को जो है हम माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो IPH मिनिस्टर हैं ठाकुर महेंद्र सिंह जी, उनके समक्ष रखेंगे। आज